जो शख्स अल्लाह ताला का खौफ रखता है वो जुल्म से बाज रहता है, और जिस शख्स में तकवी और परहेजगारी ज्यादा होती है उसे गुनाह बहुत कम सरजद होते हैं। तमाम लोगों में अपने नफ्स को सबसे ज्यादा पहचानने वाला वो शख्स है जो अपने परवरदिगार से ज्यादा खौफ करता है, और उनमें से अपने नफ्स का सबसे ज्यादा खैर ख्वाह वो है जो अपने खुदा का फरमा बरदार है। अगर सब जमीन और आसमान किसी आदमी के गिर्द होते हैं और वो आदमी इनके अंदर बंद किया गया होता है, फिर वो अल्लाह ताला से डरता हो तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर रास्ता बना देता है, और इसी को ऐसी जगह से रिजक देता है जहाँ का उसे वहम गुमान भी नहीं होता। अल्लाह के अजाब का इतना ज़्यादा खौफ रख के जो इसके बाइस इसकी रहमत की उम्मीद से ना उम्मीद ना हो जाए, और इसकी रहमत की उम्मीद ऐसी रख के इसकी वजह से अजाब का डर न भूल जाए। बेशक अल्लाह उसने नियत और इस्लाह बातिन के तुफैल अपने बंदों में से जिसे चाहे जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर आदमी किसी से दोस्ती रखता है तो अल्लाह ताला के लिए, हर किसी से दुश्मनी रखे तो इसके लिए, और इसी की खातिर मेल जोल रखे, गर्ज सब कुछ इसकी खुशनुदी के लिए हो। बेहतरीन बुर्दबारी यह है कि इंसान अपने गुस्से को पी जाए और कुदरत रखने के बावजूद अपने नफ्स को काबू में रखे। जिस आदमी में बुर्दबारी नहीं उसे कुछ फायदा नहीं होता, और जिसके पास इलम नहीं उसे हदायत से कुछ पहरा नहीं होता। तेरे लिए सबसे बेहतरीन भाई वो है जो अपनी रास्त गुफ्तारी के जरिए तुझे रास्त गोई की तरफ बुलाए, और अपने हुस्न अमाल की बदौलत तुझे नेक अमाल की तरफ ले जाए। ऐसे आदमी की भाईबंदी को लाजिम पकड़ जो तुझे बुरे कामों से डराए और उनसे हटाए। बेशक ऐसा शख्स तेरी मदद करता है और तुझे सीधी राह दिखाता है। अगर तेरा भाई तेरे साथ बुरा करता है तो तू इसके साथ इसके बुरे से बढ़कर इसके साथ एहसान कर, और अगर वो तुझसे कतअ ताल्लुक करता है तो इसके पास से पहले से ज्यादा ताल्लुक कायम रख।